हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। इट मींस वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। इस पूरे चैप्टर में याद है आपको यूनिट फर्स्ट में भी पूरे चैप्टर के अंदर आपको चार्ज रेस्ट में होगा उसकी स्टडी करनी। वो रेस्ट में होगा वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कौन से फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन से दूसरे चार्ज से फोर्स लगाएगा, वो सारा स्टडी करना। लेकिन ये बात ध्यान रहेगी कि वो चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो इस पूरी ब्रांच को जिसमें हम चार्ज के रेस्ट के फॉर्म को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज क्या है, और चार्ज किसी भी बॉडी या किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैटर पर चार्ज आया तो वो मैटर किसी भी दूसरे बॉडी पर, किसी भी दूसरे मैटर पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। अट्रैक्शन फोर्स भी अप्लाई कर सकता है और रिपल्शन फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। जैसे किसी बॉडी के पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको सबको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के पास मास होता है तो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे अगर किसी बॉडी के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है तो वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप बोलोगे सर अगर किसी बॉडी के पास मास हो और चार्ज हो दोनों हो तो क्या वो दोनों फोर्स लगेंगे, तो यस। अगर किसी के पास मास हो और चार्ज हो तो वो दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा। इसका मतलब जब किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है तो उसके पास कौन से इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो जब किसी बॉडी के पास चार्ज आता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाते हैं, जिससे वो दूसरी बॉडी को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे है? तो इसका आंसर है कि जब हम किसी भी मेथड से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, एनी टाइप ऑफ मेथड। वो टाइप मेथड क्या है, आगे क्लास में पढ़ेंगे कि बहुत तरह के मेथड होते हैं जिनसे कोई बॉडी चार्ज होती है। तो किसी भी मेथड से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, बाय रबिंग। जैसे हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, आपको पता है कोई भी बॉडी किससे बनती है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की तरफ तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास, तो रबिंग करने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया दूसरी बॉडी पर। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर साइन हमें नेगेटिव माना जाता है। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गए उस पर नेगेटिव साइन इंक्रीज हो गया तो वो भी नेगेटिवली चार्ज। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव चार्ज गया तो कौन सा चार्ज ज्यादा रह गया, एक्सेस ऑफ चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बिकम्स पॉजिटिव, एंड द बॉडी व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। तो द रीजन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द बॉडी व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। देखो एक कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एटम को क्या मानते हैं, एटम चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। बिकॉज एटम के पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन के पास चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा। तो हम एटम को न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, और बहुत सारे एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। इट मींस मॉलिक्यूल भी क्या हुआ, न्यूट्रल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बॉडी बनी, और बॉडी से क्या बना, यूनिवर्स। इट मींस यूनिवर्स क्या होगा, एक
यूनिवर्स क्या हुआ? एक न्यूट्रल हुआ। तो यूनिवर्स इज अ न्यूट्रल, यूनिवर्स हैज नो चार्ज। तो टोटल चार्ज, अभी भी पूछे आपसे न्यूट्रल का कितना होता है, तो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज जीरो। यूनिवर्स के पास टोटल चार्ज जीरो, ओके। लेकिन वो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे मैंने दो बॉडी को रख दिया, एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी के पास पॉजिटिव, अभी भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, जीरो, ओके। तो क्वेश्चन यह है कि जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो एटम की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और इस कारण ही चार्ज क्रिएट होता है। तो चार्ज इज क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ओके। एक बार कि क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है? यस, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ केजी। तो जब वह एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है तो चार्ज तो जा ही रहा है, क्या मास भी जा रहा है? यस। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो साथ ही साथ मास भी ट्रांसफर होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ट्रांसफर होगा। वैसे 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ट्रांसफर होगा, ओके। नेक्स्ट वन, यूनिट्स ऑफ चार्जेस, चार्ज की यूनिट, ओके। तो देखो आपको पता है, आपने लेवल पे पढ़ा भी है कि हमारे पास टोटल कितनी बेस क्वांटिटी होती है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो आंसर है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ओके। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटी होती है। तो ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन 7ों से जो भी क्वांटिटी बनी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव क्वांटिटी। तो ये चार्ज इन 7 क्वांटिटी में आता है क्या? नहीं आता। इट मींस चार्ज कौन सी क्वांटिटी हुआ? डिराइव क्वांटिटी। चार्ज किससे बनता है? आपको एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज करंट, और करंट क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट से क्या बना? जो हम यूनिट लिखेंगे तो करंट की फॉर्म में आएगी, ओके। देखो, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू कितना होगा? आई मल्टीप्लाई टी। तो करंट के लिए कितना होगा? एम्पियर, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये चार्ज की आपकी डिराइव क्वांटिटी हुई ना, क्योंकि करंट का किससे बनती है? टाइम से, ओके। तो चार्ज की यूनिट हुई एम्पियर इनटू सेकंड, और इन द ऑर्डर ऑफ साइंटिस्ट कूलम, इट्स अनदर यूनिट इज कूलम। तो एम्पियर इनटू सेकंड या कूलम इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसको सी से डिनोट करेंगे हम। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलम को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू भी कहते हैं, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एफ कूलम, ओके। तो ये देखो रेडिएशन आपको याद रखना चाहिए कि 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं और 1 कूलम में कितने एफ कूलम होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो आप मुझे बताइए कि स्टेट कूलम लार्जर यूनिट है या स्मॉलर? स्मॉलर। स्टेट कूलम इज स्मॉलर, इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। स्टेट कूलम को साइंटिस्ट के बोलने में हम फ्रैंकलिन यूनिट भी कहते हैं। तो कई बार स्टेट कूलम को अपन फ्रैंकलिन भी लिखेंगे, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। जैसे एम्पियर पर सेकंड को अपन कूलम लिखते हैं, स्टेट कूलम को साइंटिस्ट के नाम पर हम फ्रैंकलिन लिखते हैं, ठीक। डायमेंशन फॉर्मूला, एम्पियर का क्या है डायमेंशन? ए, और सेकंड के लिए टी। डायमेंशन इज इक्वल टू ए इनटू टी, ओके। चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता, इट मीन चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करना। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है
उसको डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी बातें पता लगा लेता है। तो इसके अंदर हम इसके जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हम एक मेटलिक डिस्क है, मेटलिक डिस्क आगे कनेक्टेड है मेटलिक रोड से, और उसके आगे कनेक्टेड है गोल्ड लीफ। ओके, जैसे ही हम, जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि जब प्लास्टिक को हम वूल से रब करते हैं तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है। कुछ कॉम्बिनेशन है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी कौन सी होती है और नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी होती है। ओके, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ये क्या है, मेटल। तो मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज से। कहां चले जाएंगे सारे के सारे, ऊपर। तो नीचे इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, वापस से। इस मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव लगा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर कहां चले गए, ऊपर। पीछे कौन सा चार्ज रहेंगे, केवल पॉजिटिव। तो गोल्ड लीफ हम इस तरह से लगाते हैं, ऐसे गोल्ड बिल्कुल एक में बिल्कुल सबसे पतली से पतली थिन एक फॉइल होता है, गोल्ड की फॉइल होती है, उस गोल्ड की फॉइल को बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके हम इसको यहां लगा देते हैं, या अलग अलग भी दो स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल। इट मींस इस बॉडी पे क्या था, चार्ज था। बॉडी पे चार्ज दिखता तो है नहीं, तो कैसे पता लगे, कैसे डिटेक्ट करें, ऐसे इसको लगा लेते। तो हम इसके अंदर गोल्ड लीफ ही क्यों लेते हैं, दूसरी कोई चीज क्यों नहीं लेते। सबसे पहला प्रॉपर्टी गोल्ड की होती है कि इसकी कितनी कितनी बारीक इसकी फॉइल बना सकते हैं। दूसरा, ये स्मॉल से स्मॉल चार्ज के लिए सेंसिटिव होता है, तो कोई भी चार्ज बॉडी हम यहां से टच करेंगे तो ये चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो अलग प्रॉपर्टी बताएगा, और मोशन कर रहा है तो अलग प्रॉपर्टी बताएगा, और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो अलग चीज क्रिएट करेगा। तो ये फिनोमिना बहुत ही स्पेशल है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, कि इलेक्ट्रिक अलग अलग पोजीशन पर कॉन्फिगरेशन पर अलग अलग फिनोमिना प्रोड्यूस करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज हमारी पूरी फिजिक्स की 12th की फर्स्ट बुक है हमारी। देखो, आप अगर देखा जाए तो 12th की एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक कंप्लीटली आपको चार्ज के बारे में ही बताती है, चार्ज की प्रॉपर्टी है सारी, हो सारी की सारी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। देखिए, जैसे अगर चार्ज, तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होगा, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस पर फोर्स एग्जर्ट करता है। इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर रिपल्शन फोर्स भी लगा सकता है, अगर ये नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, इट मींस क्या होता है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी चार्ज को मूव करवा दीजिए, चार्ज इज एट मोशन, चार्ज है मोशन कर रहा है। जब चार्ज मोशन करता है क्या बनाता है, करंट। चार्ज मोशन करेगा करंट बनेगी, और कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज एट मोशन देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड। एक बार आपको बताऊं कि आप यूनिट फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर आप पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। क्या बनाता है चार्ज एट रेस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, दो चार्ज के लिए कितनी होगी, डाइपोल के लिए कितनी होगी, पूरी इस चैप्टर में हम यही बात पढ़ते हैं। इट मींस हमारा वन और टू चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर कौन सी प्रॉपर्टी रुपए से चार्ज की? रेस्ट प्रॉपर्टी। और एनसीईआरटी का थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कौन सी प्रॉपर्टी रुपए से? चार्ज एंड मोशन। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कब जनरेट होती है? जब चार्ज मोशन करता है। और फोर्थ चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो क्या बनेगा? चार्ज का फ्लो मैग्नेटिक। इसका मतलब सेकंड जो प्रॉपर्टी है करंट इस पे कितने चैप्टर बन गए हमारे? फिजिक्स के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर बन गए। ओके नेक्स्ट। इस समय एक बात ध्यान रखना, मोशन कर रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज एंड मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके देखो, इफ चार्ज हैज वेरिएबल वेलोसिटी, इफ चार्ज हैज वेरिएबल वेलोसिटी, दिस इज नंबर थर्ड, इट क्रिएट्स, इस समय भी मैग्नेटिक तो बनाएगा ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो जो करंट बनाएगा, मोशन वेरिएबल है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो करंट बनाएगा वो भी क्या होगा? वेरिएबल। यस, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? वेरिएबल। तो इट क्रिएट्स, वी कैन से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल करंट। ओके, तो इसने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल करंट बनाया, लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई, इट आल्सो क्रिएट्स और एमिट एनर्जी। ये हमारा देखो, ये सिक्स्थ सेवन्थ और एट चैप्टर में ऐसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब करंट वेरी करता है, जब चार्ज वेरी किया, वेरिएबल मोशन किया, तो करंट भी क्या किया? वेरी। करंट वेरी किया तो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट के कारण, वो भी क्या किया? वो भी वेरी हुआ। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, या एडवांस क्लासेस में आप पढ़ेंगे। और जो पास वाला सर्किट है, जैसे इस सर्किट में करंट वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया, तो इसके पास वाले सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाएगी। आपने 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो जो फिनोमेना होता है, इसमें मैग्नेटिक वेरी किया तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हुई। कैसे हुई? इसने एनर्जी को एमिट किया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेरिएबल मैग्नेटिक बनाएगा, वेरिएबल करंट बनाएगा और एनर्जी को भी एमिट करेगा। आप बोलोगे सर कैसे? तो जैसे आपको बताता हूं कि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, बनती है। कैसे बनती है? ये 8 चैप्टर में पूरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ेंगे इसको भी। तो जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने टीवी का रिमोट ऑन किया, टीवी के रिमोट में ऐसा सर्किट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है, कौन सी वाली? इंफ्रारेड। तो उसने इंफ्रारेड वेव को जनरेट किया। ओके, आपने दबाया, चार्ज एक्सेलरेट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है और टीवी के सेंसर पर आके स्ट्राइक हुई। जैसे टीवी के सेंसर पर स्ट्राइक हुई, टीवी क्या हो गया? सेंसर ने कैच किया और टीवी ऑन। तो टीवी तक के सेंसर के पास क्या पहुंची? एनर्जी पहुंची। इट मींस ये बात आपको याद रखनी है, आपको आगे एक्सप्लेन कर देंगे, पता भी लग जाएगा ऐसा क्यों होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी एमिट करता है। इसके बाद में चार्ज की प्रॉपर्टी है, मेथड ऑफ चार्जिंग है और फिर कूलम्ब लॉ है,